अंदर चुनाव के 10 दिन पहले याद आई कि कैप्टन साहब को बादलों को भी चुनौती देनी है। कल मेरे पास सवेरे कैप्टन साहब के कुछ खास लोग आए मिलने के लिए, उन्होंने मेरे को बताया, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। उन्होंने कहा जी कोई चुनौती वुनौती देने नहीं आ रहे, बोले पंजाब को बेच रहे हैं कैप्टन साहब, बादलों से कुछ समझौता हो गया है, लंबी में प्रकाश सिंह बादल को हराने नहीं जा रहे, जिताने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह के वोट काटने के लिए जा रहे हैं, कैप्टन साहब प्रकाश सिंह बादल को हराने नहीं जा रहे। अभी तक जब भी चुनाव होते थे दोनों में डील होती थी, कैप्टन साहब बादलों के खिलाफ मजीठिया के खिलाफ कमजोर आदमी खड़ा करते थे, बादल कैप्टन साहब के खिलाफ कमजोर आदमी खड़ा करते थे, दोनों चुनाव जीत जाते। पहली बार हुआ है पंजाब के इतिहास में आम आदमी पार्टी आई है, हमने अपने सबसे बड़े नेता खड़े किए हैं बादलों के खिलाफ मजीठिया के खिलाफ। जलालाबाद से भगवंत मान चैलेंज कर रहा है सुखबीर बादल को हराना है। मजीठा से हिम्मत सिंह शेरगिल खड़ा हुआ है मजीठिया को हराना है। लंबी से जर्नल खड़ा हुआ है प्रकाश सिंह बादल जी को हराना है। पिछले 15-20 दिन से लंबी के अंदर जर्नैल सिंह का जो जलवा खड़ा हुआ है, जिस गांव में जिस पिंड में आ रहा है जर्नैल, पूरे के पूरे पिंड उसके साथ निकल जाते हैं कैंपेनिंग करने के लिए। और बादल साहब प्रकाश सिंह बादल जिस पिंड में जाते हैं लोग उनको बाहर से बाहर भेजते हैं, उनको अंदर नहीं घुसते पिंड के अंदर। तो बादल साहब घबरा गए, उनको अगर उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने कैप्टन साहब को फोन किया, बोले हमारी मदद करो। कैप्टन साहब तैयार बैठे थे, आप लोगों ने बारे में पढ़ा होगा, अभी 3 महीने पहले कैप्टन साहब के खिलाफ जितने मुकदमे चल रहे थे भ्रष्टाचार के, 10 साल से चल रहे हैं, कैप्टन साहब के खिलाफ कई मुकदमे चल रहे थे, कई पर्चे थे कैप्टन साहब के खिलाफ। 3 महीने पहले बादलों ने सारे मुकदमे वापस ले लिए, कैप्टन साहब सारे केस बंद कर दिए। तो अभी प्रकाश सिंह बादल ने फोन करा कैप्टन साहब को, देखो हमने 3 महीने पहले तुम्हारे केस बंद करके, अब तुम हमारी मदद करो। कैप्टन साहब ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं, मैं लंबी से पर्चा भर रहा हूं। कल सवेरे कैप्टन साहब लंबे पर्चा भरने जा रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल को हराने जा रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल को जिताने जा रहे हैं, जर्नैल सिंह के खिलाफ आ रहे हैं, जर्नैल सिंह के वोट काटने जा रहे हैं, बादलों के खिलाफ जितने वोट हैं वो बट जाएंगे। लेकिन दोस्तों हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, वाहेगुरु जी हमारे साथ हैं, जर्नैल सिंह जीतेगा, कैप्टन और प्रकाश सिंह बादल दोनों हारेंगे। मेरे को दुख इस बात का हुआ, कैप्टन साहब कह रहे हैं मेरे जिंदगी का आखिरी चुनाव है, जिंदगी का आखिरी चुनाव है। कैप्टन साहब आपने जिंदगी के आखिरी चुनाव में पंजाब को बेच दिया, आखिरी चुनाव में तो थोड़ी सी ईमानदारी कर लेते कम से कम। 10 दिन पहले चुनाव के, आज मैं जहां भी जा रहा हूं पंजाब में, एक ही बात, सारा पंजाब एक ही बात बोल रहा है, बादलों को हराना है, बादलों को हराना है। बादलों ने बड़ा जुर्म कर दिया, बादलों ने बच्चे बर्बाद कर दिया, नशा बेचा, सारा पंजाब एक ही बात बोल रहा है बादलों को हराना है। कैप्टन साहब आपने बादलों से हाथ मिला लिया, चुनाव के 10 दिन पहले आपने बादलों से हाथ मिला लिया, पंजाब की पीठ में छुरा घोंप दिया, पंजाब आपको कभी माफ नहीं करेगा। इस बार 4 तारीख को जब चुनाव में जाओगे, वोट डालने जाओगे, इनकी फ्रेंडली मैच को खत्म करना है, बादलों के और कैप्टन के बीच की जो डील है इसको खत्म करनी है, सच्ची सुच्ची पार्टी को, ईमानदार पार्टी को वोट देना, ईमानदार सरकार लेके आनी है। इस पर 2 साल से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, 2 बातें हमारे सारे विरोधी कहते हैं, चाहे बीजेपी वालों कांग्रेस वालों प्राइवेट में, सारे मानते हैं
एक तो यह कि आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं, दुनिया की कोई ताकत को खरीद नहीं सकती। दूसरी बात, यह आम आदमी पार्टी वाले जो कहते हैं वो करते हैं अपनी जुबान के पक्के हैं, झूठ बोलते सारे मानते हैं। दो साल से दिल्ली में सरकार चल रही है, बहुत काम किया दो साल, इतना काम किया देश में नहीं विदेशों के अंदर चर्चा हो रही है आम आदमी पार्टी के काम। गरीबों के भी तीन तीन चार चार हजार रुपए महीने के पानी के बिल आया करते थे, लुट गए थे लोग। हमारी सरकार ने आने के बाद सारे पुराने पानी के बिल माफ कर दिए और सारा भविष्य में पानी मुफ्त कर दिया। पूरे दिल्ली के अंदर लोगों को मुफ्त पानी मिल रहा है। पिछले एक साल में 106 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, डिस्पेंसरी शानदार, एकदम मॉडर्न, एयर कंडीशन, ऐसी ऐसी डिस्पेंसरी बनी है वॉशिंगटन से, लंदन से, पेरिस से। अखबार वाले देखने के लिए आ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर गरीबों के लिए कितनी शानदार डिस्पेंसरी बनी है। उसमें सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री, गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए भी। और अब 31 मार्च तक 1000 डिस्पेंसरी बनकर तैयार हो जाएंगे दिल्ली के अंदर। अब अपने को पंजाब में भी यही करना है, हर पिंड में पिंड क्लिनिक खोलना है, हर कस्बे में, हर शहर में, पंजाब के हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलना है, जिसमें सारी दवाइयां, सारा इलाज, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे। दोस्तों, पिछले एक साल के अंदर दिल्ली में हमने 250 नए सरकारी स्कूल बनाए हैं। बताते हैं 10 साल में बादलों ने पूरे पंजाब में इतने स्कूल नहीं बनाए जितने एक साल में दिल्ली के अंदर हम लोगों ने बनाए सरकारी। और सरकारी स्कूलों में जो नए सरकारी स्कूल दिल्ली में बन रहे हैं, स्विमिंग पूल, लिफ्टें, कभी सुना था सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल होते हैं? गरीब बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे, रेडी वाले के बच्चे स्विमिंग पूल वाले स्कूल में जा रहे हैं। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं, कभी सुना? अब अपने को पंजाब के भी सरकारी स्कूलों को ठीक करना है। पिछले दो साल में बहुत काम किया दिल्ली में, बहुत काम किया। हमारे से पहले 15 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी। जब भी लोग उनके पास काम कराने जाते थे वो कहती थी पैसे नहीं है, पैसे नहीं, सरकार घाटे में चल रही है, सरकार घाटे में। उनके पास पैसे नहीं थे, हमारे पास पैसे कहां से आ गए? दो साल में हमने इतने काम कर दिए, हमारे पास पैसे कहां से आ गए? वो कहती थी घाटे में चल रही है सरकार। दो साल में दिल्ली का बजट किया, फायदे का बजट किया, घाटे में नहीं किया बजट दिल्ली का। दो साल से बाद कह रहे घाटे में चल रहा है पंजाब, सब कुछ बेच दिया बादलों ने। वो कहती थी शीला दीक्षित घाटे में चल रही है, हमने मुनाफे में करके दिखा दी। कैसे कर दी हमने? भ्रष्टाचार कम करना। पहले हर सरकारी ठेके के अंदर 2 रुपए का काम 10 रुपए में होता था, अफसर पैसे खाते थे, नेता पैसे खाते थे, लूट रखा पाया। हमने हर काम में पैसे बचाने शुरू कर दिए। जैसे अभी एक पुल बना दिल्ली में, 325 करोड़ का पुल बनना था, हमने 200 करोड़ में पूरा कर दिया। कभी सुना भारत के इतिहास में 65 साल में 300 करोड़ का सरकारी काम 200 करोड़ में होता हुआ? कभी सुना है जिंदगी में? कभी नहीं सुना। कैसे किया? 100 करोड़ रुपए, 125 करोड़ रुपए जो हमने बचाए वो पहले नेताओं की जेब में जाते थे, अफसरों की जेब में जाते थे, वो पैसे हमने खाने नहीं दिए, वो सारे पैसे बच गए। हर काम में पैसे बचा रहे हैं दिल्ली में, हर काम में पैसे बचा रहे हैं। मैं सोच रहा था अगर पंजाब में 300 करोड़ का पुल बनना होता, 3000 करोड़ का बनता, सारे पैसे खा जाते। अब पंजाब में ईमानदार सरकार आएगी, भाई सब पैसे की कमी नहीं है सरकार में, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी पंजाब में, जैसे दिल्ली में सारे काम हो रहे हैं ऐसे पंजाब में भी सारे काम हो रहे हैं। अब सारा पंजाब ये तो मान रहा है
आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम करना है नशा खत्म करना है पंजाब से। इन्होंने बर्बाद कर दिया पूरे पंजाब को, पूरे के पूरे पिंड बर्बाद हो गए, पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो गए, औरतों के बच्चे छिन गए, उनके सुहाग लूट गए। इंटरनेशनल ड्रग माफिया नशा सप्लाई करता है पंजाब में और मजीठिया उनका एजेंट है। मजीठिया ने पूरे पंजाब में गांव गांव में अपने आदमी फैला रखे नशा बेचने के लिए। सरकार बनेगी, एक महीने के अंदर मजीठिया को गिरफ्तार करेंगे, नशा बंद करेंगे। अभी तीन चार दिन पहले मैं भाजपा के नीचे उतरा, कुछ लड़के हैं मेरे पास, कहते अरविंद जी ये जो आप कहते हो मजीठिया को गिरफ्तार करेंगे ये हो सकता है क्या? आप झूठ तो नहीं बोल रहे? लोग इतने डरे हुए हैं बादलों से, मजीठिया से, दहशत है पूरे पंजाब के अंदर, यकीन नहीं होता। एक एक आदमी डरा हुआ है, कहीं फर्जी पर्चा तो नहीं कर देंगे, कहीं जेल में तो नहीं डाल देंगे। पूरे पंजाब में इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है। आज मैं आपको एक डेट देके जा रहा हूं, तारीख देके जा रहा हूं, नोट कर लेना। 11 मार्च को नतीजे आएंगे, 20 मार्च तक सरकार बन जाएगी, 15 अप्रैल मजीठिया जेल में होगा। दोस्तों एक महीने के अंदर पंजाब में नशे की सप्लाई बंद करेंगे, उसके बाद अपने जितने बच्चे नशा कर रहे हैं वो मरीज हो गए हैं, उनका इलाज कराना पड़ेगा। इसकी पूरी प्लानिंग करी है हम लोगों ने। पंजाब में बहुत सारे छोटे छोटे क्लिनिक खोलने पड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी बाहर से डॉक्टर बुलाएंगे, 6 महीने के अंदर अपने बच्चों का इलाज करा के नशे से बाहर निकालेंगे। नशे से बाहर आने के बाद बच्चों को नौकरी चाहिए, बच्चों को रोजगार चाहिए होगा। 25 लाख रोजगार तैयार करने का हमने पूरा प्लानिंग बनाया है। जैसे 10-10, 15-15 पिंडों के ऊपर एक एक इंडस्ट्री लगाएंगे, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। पिछले 10 साल में बादलों की गुंडागर्दी की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री उठ के बाहर चली गई पंजाब की, उनको सबको वापस बुलाएंगे। लेकिन एक शर्त पे, जितनी नई इंडस्ट्री लगेगी पंजाब में उनमें 80% नौकरी पंजाब के लोगों को देनी पड़ेगी, पंजाब के लोगों के लिए रिजर्व, बाहर वालों को नहीं मिलेगी। उसी तरह से 10 साल में बादलों ने जितने पर्चे करे हैं, झूठे पर्चे अपने बच्चों में, लोगों को डराने के लिए जितने झूठे सच्चे पर्चे करे हैं लोगों ने, इन्होंने मेरे को भी नहीं छोड़ा जी, मेरे ऊपर भी एक पर्चा कर देने चाहिए। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा तो आपका तो क्या हाल करा होगा, मैं समझ सकता हूं। अभी 6-7 महीने पहले मैंने एक सभा में कह दिया था, मैंने कहा मजीठिया नशा बेचता है, मजीठिया ने मेरे ऊपर पर्चा कर दिया। हर महीने अमृतसर के कोर्ट में पेशी होती है मेरी। मैंने भी मजीठिया को कहा मजीठिए तेरे को पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बना हूं, तेरे पर्चों से निकलता फाड़ बैठता हूं तेरे पर्चे। तो जितने झूठे पर्चे इन लोगों ने करे हैं 10 साल में, सारे पर्चे कैंसिल किए जाएंगे, मुकदमे वापस लिए जाएंगे, और जितने आपके बच्चों को इन्होंने झूठे केसों में फंसा रखा है सबको जेल से रिहा करा के आपके घर पहुंचाएंगे जी। बड़े दुख की बात है, किसानों की बुरी हालत है पंजाब के अंदर, किसानों पर कर्जे चढ़ गए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 1.5 से 2 साल के अंदर किसानों के कर्जे माफ करेंगे, किसानों के कर्जा मुक्त करेंगे, लेकिन एक बार कर्जे की मुक्ति दिलाने से काम नहीं चलेगा, कल फिर कर्जा लग जाएगा। असली काम होगा जिस दिन किसानों को अपनी फसलों के पूरे दाम मिलने लग जाएंगे, उनको अपनी पूरी कमाई अपनी मेहनत के पूरे दाम मिलेंगे, उसके बाद किसानों को कभी कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी भी हमने प्लानिंग करी है। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, सरकार बनने
के बाद 3-4 साल लगेंगे, 3-4 साल में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। जितनी लागत किसान की आती है उसमें 50% प्रॉफिट इस हिसाब से उनको फसलों के दाम मिलेंगे, भविष्य में कभी किसान को कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने पैसे इन लोगों ने खाए हैं 15 साल में, कैप्टन ने बादलों ने चूस लिया जी पंजाब को पूरी तरह से, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने इस पूरे क्षेत्र के अंदर। अभी मैं आ रहा था, मेरे को बता रहे थे इतनी इलीगल माइनिंग होती है, इतनी इलीगल माइनिंग होती है, सारी माइनिंग इन्हीं लोगों की है, मजीठिए की, उसके लोगों की, बादलों की। जितना रेत की बजरी के ठेके हैं सारे कांग्रेस वालों के, बादलों के, इनके रिश्तेदारों के हैं। बसों के प्लेट सारे इनके, दारू के ठेके सारे इनके, केबल सारी इनकी, होटल सारे इनके, सब कुछ लूट लिया इन्होंने पंजाब का। सारा पैसा खा गए, सारा पैसा डका गए ये लोग, इनके हलक के अंदर हाथ डाल के सारा पैसा बाहर निकालेंगे, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे इनसे जो इन्होंने पंजाब का लूटा है। कैप्टन साहब 5 साल मुख्यमंत्री थे, 5 साल में मुख्यमंत्री रहते हुए इतना लूटा इन्होंने पंजाब को, इतना लूटा 7 स्विस बैंकों में 7 अकाउंट खुलवा लिए इन्होंने कैप्टन साहब ने। इनकी पत्नी परनीत कौर के नाम से स्विस बैंक में अकाउंट है, इनके बेटे रणिंदर सिंह के नाम से स्विस बैंक में अकाउंट है, इन्होंने ट्रस्ट खोल रखे ट्रस्टों के नाम से स्विस बैंक में अकाउंट है, 4 कंपनियां बना रखी कैप्टन साहब ने उनका स्विस बैंक में अकाउंट है, 7 अकाउंट कैप्टन साहब ने खोल लिए 5 साल के अंदर, कितना पैसा बना लिया। स्विस बैंक में कौन अकाउंट खोलता है जिसके पास 2 नंबर हजारों करोड़ रुपए होते हैं, 1 नंबर का पैसा हो तो स्टेट बैंक में खोल लो, पंजाब नेशनल बैंक में खोल लो 1 नंबर का अकाउंट, स्विस बैंक जाने की क्या जरूरत है। स्विस बैंक का आदमी तभी जाता है जब 2 नंबर के हजारों करोड़ रुपए कमा लेता है। इनका सारा पैसा वापस लेके आएंगे स्विस